এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, উন্নাওয়ে এক সাংবাদিকের ওপর হামলা। উন্নাওয়ে এক সাংবাদিকের ওপর হামলা চালানো হয়, বাইক নিয়ে যাওয়ার পথেই তার ওপর হামলা চালানো হয়। উন্নাওয়ে সাংবাদিকের ওপর এই হামলার অভিযোগ, যোগী রাজ্যে গুলিবিদ্ধ সাংবাদিক, তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ওই সাংবাদিক। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন, সরাসরি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মনীষ জি, এক জার্নালিস্ট কে উপর জিস তরিকে সে অ্যাটাক কিয়া গিয়া হে, কিউ উনকে উপর অ্যাটাক কিয়া গিয়া হে, ক্যা জানকারি হে? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अब तक जो जानकारी मिली है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए अपने साथी के साथ निकले थे, तभी जो है पहले से ही वहां पर बदमाश मौजूद थे। जब वो वहां पर पहुंचे अपने घर से बाहर, तभी उनको जो है गोली मार दी गई और गोली जो है उनके कंधे पर लगी है। जहां पर देखा जाए तो शुरुआती दौर में उनके साथी के द्वारा जो है वहां के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए, जिस प्रकार से उनकी हालत काफी बिगड़ रही थी, इसको देखते हुए डॉक्टरों के द्वारा जो उनको रिफर कर दिया गया कानपुर के लिए। अब उनका हॉस्पिटल हेलर हॉस्पिटल में जो है इलाज चल रहा है। अगर हम पूरे मामले पर गौर करें, जिस प्रकार से जो है जर्नलिस्ट के ऊपर जो है जो गोलीबारी हुई, उसके बाद जो है पुलिस महकमे के आलतकारियों के जो बयान है उनके द्वारा ये कहा गया कि गोली मारी गई और उस पर जांच की जा रही है, लेकिन उनके परिजन और जो वहां पे उनके साथी रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा जो है वहां के जो पुलिस के आलतकारी, उनसे कहा गया कि उनको अपनी जान को खतरा था, इससे पहले भी जो है इससे पुलिस को अपने उनकी तरफ से जो है एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन वहां पुलिस दावा ये जरूर कर रही है कि उनको सुरक्षा दी गई थी, लेकिन किस प्रकार की सुरक्षा दी गई थी? लेकिन सबसे सोचनीय बात यह है, क्योंकि जिस प्रकार के जो पुलिस के आलतकारी जो बयान दे रहे हैं कि उनको सुरक्षा का एक के तहत उनको बात कही गई थी, लेकिन कोई भी उनके साथ पुलिसकर्मी या कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो कहा जा सकता है कि एक हवा हवाई बात की जा रही है। और जिस प्रकार से पूरे मामले में जो है पत्रकार को जो है गोली मारी गई, और ये एक अब तक जो अब मामला सामने निकल के आ रहा है कि जो वो खबरें लिखते थे वहां पर, उन खबरों को लेकर के जो है उनके वहां के लोगों से काफी रंजिश चल रही थी, शुरुआती दौर से रंजिश चल रही थी, जिसके तहत जो है उनके ऊपर इस प्रकार से बदमाशों के द्वारा हमला किया गया है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से शुरुआती दौर में उनके परिजन और जो पत्रकारों के द्वारा जिनको गोली लगी है, उनके द्वारा जिन लोगों पर आशंका जताई गई है, उनके तहत जो है उन पर पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी जांच का विषय बता रही है और जांच के विषय के तहत उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है गिरफ्तारी की जाएगी। जी जी, शुक्रिया आपको। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরাসরি প্রতিনিধি মনোজ তিওয়ারি, এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সাংবাদিক, উন্নাওয়ে সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ, তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, এবং উন্নাওয়ে সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ।